ऐसा ही है, जितनी मेहनत करोगे उतना ही सही बनेगा। नहीं, क्रोम वाला में बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है। ये देखो सर, कर लिया मैंने, ठीक है, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एफ किया, ऑल्ट और शिफ्ट दबा के छोटा कर दिया इसको मैंने, यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट किया, ट्रिम कर दिया। ये अभी शेप हमारे सर पास, उसी के हम लोग सर डिवाइड हाँ करते हैं ट्रिम कर दो, ट्रिम से सर, क्या उसके होगा अंदर एक अपन, सर्कल होगा तो कटेगा सर। हाँ सर हाँ फिर ऐसे करते हैं हाँ सर, छोटा करते चले जाएं, ऐसे ही हाँ बोला था हाँ ऐसे भी कर सर। लो। देखो पता क्या करो, एक सर्कल ले लो ये वाला, ठीक है, इसी पे ना ओके फिल को बंद कर रहा हूँ मैं, स्ट्रोक में कलर दे रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। हाँ सर, कंफ्यूजन से बिल्कुल आंसर इसमें है मेरा, ये फिल बंद करने वाले हैं बस, ये नहीं हट रहा मेरे से। ठीक है, ये आ गया एक हमारे पास। अब इसी की एक और कॉपी करी, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसी को मैंने छोटा कर दिया और ये आ गई हमारे पास। अब मुझे घुमा, एक और छोटा सर्कल ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, पांच ठीक है, ये आ गया। अच्छा ये कैसे बनेगा, ये बनाऊं मैं, ये बनाऊं, ये जो बॉक्स बना हुआ है देखो, पॉलीगन लिया मैंने, ठीक है, पॉलीगन को ऐसे बनाया, इसको मैंने यूं घुमा दिया, इसमें बॉक्स दिखाई दे रहा तुम्हें, नहीं दिखाई दे रहा बॉक्स, दिख रहा है इसमें, रहा है ना। तो एक लाइन ली, इस लाइन को मैंने यहाँ से यहाँ पे ऐसे ही ओवरलैप करा दिया, इस लाइन को मैंने यहाँ से यहाँ ओवरलैप करा दिया, और इस लाइन को मैंने यहाँ से यहाँ ओवरलैप करा दिया, ठीक है। फिर क्या करा मैंने, इन सबको सिलेक्ट किया और डिवाइड कर दिया, डिवाइड डिवाइड कर देना है, डिवाइड, फिर राइट क्लिक किया और अनग्रुप कर दिया हमने इन सबको, राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दिया। और अब ना क्या करेंगे, इसको इसको कलर दे देते हैं, ये वाला, ठीक है, इसको इसको कलर दे देते हैं अपन ये वाला, और इसको इसको दे देते हैं ये वाला। परफेक्ट क्यूब का तो शेप बन गया, बन गई बिल्कुल परफेक्ट, कंट्रोल जी, आया समझ में। इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ और इसको मैं बीच में छोटा कर देता हूँ ऐसे, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पे इसे घुमा देते हैं ऐसे, इस तरीके से, 1 2 3, कितने चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 चाहिए, तो 360 को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया ऐसे, लाइन को आर दबाया, पहले इसके स्ट्रोक दे देते हैं, तो स्ट्रोक दे दी, आर दबाया, ऑल्ट दबा के क्लिक करा, और यहाँ पे 72 कॉपी, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, आ गया, ये सब कुछ सेट हो गया, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये सब कुछ बन गया, अब हम करते डिवाइड। तो इस वाले को और इस वाले को दोनों को सिलेक्ट किया, ट्रिम कर दिया, तो ट्रिम से क्या हो रहा है, कट हो गया, ठीक है। इसके बाद ये तो ब्लैंक एरिया है ही हमारा, यहाँ तो ब्लैंक में लिखा जाएगा, इसको सिलेक्ट कर असाइनमेंट लेते में हैं। वो सिलेक्ट करना है। और क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड, राइट क्लिक किया, अनग्रुप, यहाँ पे 1 2 3 और 4, और बस इनको डिलीट मार देते हैं, आ गया बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर कलर दे देंगे, यहाँ पे एक इसके अंदर ये कलर दे दिया, इसके अंदर ये कलर दे दिया, इसके अंदर ये मैं सिलेक्ट कैसे करता हूँ, वी दबा के, ठीक और ये आ गया हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट, है ना। पीछे कलर चाहिए अपने को, यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं और इसे बना के इसको पीछे भेज देंगे, रेडिएंट वाला चाहिए। तो यहाँ पे से रख लेते हैं, सेंटर लाइन कर ले, दोनों को सिलेक्ट किया, ऑल दबा के इस पे क्लिक किया, सेंटर लाइन सेंटर लाइन, बिल्कुल परफेक्ट सेंटर में आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला ग्रेडियंट दे देते हैं, और स्ट्रोक में आ रहे थे वो ग्रेडियंट, फिल में कर देते हैं, ये आ गया, इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ पे इसका कलर अपन कर देते हैं आई ड्रॉपर टूल लेके, ये वाला कलर, और इसका कलर दे देते हैं ये डार्क वाला कलर, इसको कर देते हैं रिवर्स, इस वाले को थोड़ा लाइट कर देते हैं, ये वाला सुंदर वाला, तो ऐसा समझ में आ गया ना। अब इसे पीछे ले, अब ये लिखना भी है, लिखने के लिए मैंने बताया था इसी की कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ,
ऑल टू शिफ्ट दबा के इसको बड़ा कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे टाइप टूल लेके टाइप वन पार्ट टूल लेके यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे इन्फोग्राफिक स्पेस देके काउंट कर लेना यहाँ पे, या इसी को बस सिर्फ इन्फोग्राफिक ऐसे लिखा हमने, बाकी सबको घुमा दो और हाँ तो आ गया ना समझ में। अब ये चीज और करनी रही है ना, तो अपन क्या करेंगे एक रेक्टेंगल ले लेंगे, ऐसे सेंटर में रख लिया रेक्टेंगल को, बस इसके फिल को बंद करा, स्ट्रोक में रखा कलर, इसको और इसको सिलेक्ट किया और ट्रिम कर दिया, तो देखो ये आ गया। अब मुझे छोटे छोटे सर्कल चाहिए। अब सर्कल में ये दिक्कत है कि ये छोटे और बड़े आ गए, तो इसके लिए सर इसको ट्रिम कैसे किया, एक रेक्टेंगल रखा इसके ऊपर, दोनों को सिलेक्ट किया और ट्रिम मार दिया। अब ये टूल है उससे हो पाएगा, ये जो है सर्कल सर्कल जो आ रहा है तो मैं यूज कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल है, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा, अभी मैं बेसिक साइज उसका कर लगाता हूँ। तो बस क्या करना है इसके ऊपर ऐसे रख लेना है, मुझे सर्कल ही सर्कल चाहिए इसके ऊपर। तो अपन क्या करते हैं फिल को बंद कर लेते हैं, स्ट्रोक में कलर रख लेते हैं ऐसे। तो ये देखो स्ट्रोक आ रही है, आप क्या आ रही है स्ट्रोक, आपने क्या करना है सर्कल लेना है, सर्कल लिया एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल ले लेना, ये बड़ा सर्कल ले लिया और एक छोटा सर्कल ले लिया, थोड़ा छोटा कर लेते, ज्यादा नहीं थोड़ा छोटा कर लेते, सब दोनों को सिलेक्ट करना आपने और कंट्रोल ऑल्ट बी कर देना है, ऑल्ट बी ये ब्लेंड, हाँ ये ब्लेंड करने का काम करता है। अच्छा मतलब ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक बीच में जितना सब भर जाएंगे भर जाएंगे, ठीक है हो गया। अब पर मुझे ये ऐसे नहीं चाहिए था, मुझे ऐसा चाहिए था, तो ये भी देख लो स्टेप, दोनों को सिलेक्ट करना है इसको और इसको, ऑब्जेक्ट में जाना है, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद ब्लेंड में लिखा आएगा या रिप्लेस स्पाइन लिखा होगा, तो रिप्लेस स्पाइन पे क्लिक कर देना है, तो ये क्या हो गया ऐसा आ गया ये। पर मुझे पूरे पे नहीं चाहिए था, मुझे तो आधे पे चाहिए था, तो मैं एक काम करता हूँ इस लेयर को ऊपर ले आता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा और डिलीट का बटन दबा दूंगा, ऐसे ही इस पे भी क्लिक करूंगा और इसको भी डिलीट का बटन दबा दूंगा, सिर्फ इसी लाइन के ऊपर आएगा, ठीक है। अब मैंने दोनों को फिर से सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड और रिप्लेस स्पाइन, तो ये ऐसा कुछ है, ठीक है। वापस गया मैं ऑब्जेक्ट में, वापस मैं ब्लेंड में गया, वहां पे देखो यहाँ पे रिप्लेस स्पाइन लिखा रहा है, रिवर्स स्पाइन आ रहा है, वहां छोटा वहां बड़ा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कम करना है पर पॉइंट, ज्यादा पॉइंट लग रहे हैं मुझे, तो आप इसी पे डबल क्लिक भी कर सकते हो, ये टूल है वैसे इसका, यहाँ पे स्टेप्स लिखे है, स्टेप्स को कम कर दिए कितने कम करना है, ठीक है, और ओके कर दिया बस। तो ये देखो ऐसा कुछ आ गया इस तरीके से, तो एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो, अब मुझे यहीं तक चाहिए था और ये यहाँ तक चाहिए, तो कुछ नहीं करना आपने, प्लस का बटन दबाना है, एक पॉइंट बनाना है यहाँ पे, एक पॉइंट बनाना है यहाँ पे, माइनस का बटन दबाना है, ये पॉइंट हटा देना है और यहाँ से ये वाला पॉइंट हटा देना है, ठीक है। तो मतलब अगर मुझे ना देखो यहाँ तक ही चाहिए था बस, ये देखो यहाँ तक आ रहा है, तो पॉइंट एंकर पॉइंट टूल प्लस के बटन से ऐड आ जाता है, तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया, माइनस से क्या करा मैंने यहाँ डिलीट कर दिया और ये भी डिलीट कर दिया, तो देखो यहाँ से इस तरीके से आ गया, तो बिल्कुल सही आ गया ना, कलर बाद में चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है। कलर भी बस आपको क्या करना है, देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो इस पे क्लिक किया, ये कलर चेंज कर दिया, देखो ऐसा कुछ आ गया, एक कलर से दूसरा कलर ब्लेंड हो रहा है, अच्छा लग रहा है ना। अब इसको चेंज कर लेते हैं, मैं थोड़ा ब्लैक कर दूंगा इसे, तो अच्छा लगेगा। इसको मैंने क्या करा सिलेक्ट करके डबल क्लिक करना है, इसके ऊपर पिक करना है पहले और आखिरी वाले को, और इसे मैंने ब्लैक कर दिया, तो देखो ऐसा आ रहा है, मतलब कलर भी ब्लेंड होता हुआ, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, एक कलर को चेंज करेंगे, हाँ ये देखो दो है ना पॉइंट, एक ये रहा एक ये रहा। अब मैं एक पे कलर कोई सा भी दूंगा तो दूसरे से कलर से ब्लेंड हो जाएगा ऐसे ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ये देखो आ गया, तो जब ग्रेडिएंट की तरह ही हो जाएगा, रिकॉर्ड हो रहा है, समझ में आया, तो बन जाएगा ना ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेके चलते हैं ये, तो ब्लेंड टूल किसी भी चीज को ब्लेंड कर सकते हैं, ये टूल पूरा ही कवर कराया था मैं। तो ब्लेंड टूल में क्या होता है कि जैसे कि सपोज मैंने एक सर्कल लिया हुआ है, बहुत से लोग ना इसे ना कलर्स के लिए यूज करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए,
कलर कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं इससे हम, ऐसे ऑरेंज कलर ले लिया, मुझे ऑरेंज और ना किसी ने बोला क्लाइंट ने कि ये दो कलर की कॉम्बिनेशन बनानी है, किसी पे काम करना है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल ऑल्ट बी कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे ना स्टेप्स को ना 5 कर दूंगा बस। तो देखो इनके अंदर 5 कलर आ गए, मतलब कलर की डेप्थ आ जाएगी यहाँ पे इसमें। हाँ, कंट्रोल ऑल्ट बी। अब मैं ये यहाँ से भी ले सकते हैं, हाँ, दो कलर का कॉम्बिनेशन लिया, इसके अंदर भी मैंने यही किया, दो कलर का कॉम्बिनेशन ले लिया, तो अलग अलग कलर आ गए ना मेरे पास, तो मुझे जैसे एक कलर रखना उसी की डेप्थ देनी है, तो मैं ये वाला कलर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए भी हम ब्लेंड टूल यूज कर लेते हैं, क्लियर है ना। अब इस ब्लेंड जो आपने किया है इसे आप किसी पे अप्लाई भी कर सकते हो, जैसे सर्कल लिया इस पर अप्लाई करना है, तो आप दोनों को सिलेक्ट करोगे शिफ्ट दबा के, ऑब्जेक्ट में जाओगे और ब्लेंड में जाओगे और रिप्लेस पॉइंट पे क्लिक कर दोगे, उसी शेप में आ जाएगी, ठीक है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे स्टेप बढ़ा सकते हो, कितने स्टेप चाहिए, ठीक है। तो आप कोई भी पाथ के ऊपर इस तरीके अप्लाई कर सकते हो इसको, ठीक है। जैसे मेरे को क्या करना है, कंट्रोल जी, तो आपको ये तो चीज क्लियर हो गई होगी किस तरीके से करता है ये काम, सर बस वो क्लियर नहीं। हाँ, क्या वही स्ट्रोक अप करते चले ना, हर बार बस वही दिक्कत आ रही है, स्ट्रोक करते थे क्या, मैं करके दिखाई तो बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है ना। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना ऐसे ना मैं एक कोई अल्फाबेट है उसके ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, टाइप टूल लिया और लिख दिया डी, ये रहा, ठीक है। मैं थोड़ा बोल्ड फॉन्ट ले लेता हूँ, इम्पैक्ट फॉन्ट ले लेते हैं, अरे यार बहुत बुरा लग रहा था, अरे यार चलो ये वाला फोन ले लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओ करा, कैस को ऑब्जेक्ट बना लिया, ये शॉर्टकट होती है कंट्रोल ऑब्जेक्ट बनाने की। फिर मैं चाहता हूँ कि ना मैंने क्या करा, इसे सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करे कि एक ऑप्शन होता है अनग्रुप कर लिया, तो ये ऐसा आ रही है शेप। अब ये चीज मुझे इसके ऊपर चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, एक और बना लेता हूँ सर्कल, इसका कलर दे दिया ये, इसका कलर दे दिया मैंने यहाँ पे ये, दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट बी कर दिया, दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए और क्या करेंगे, ब्लेंड और रिप्लेस स्पाइन, रिप्लेस स्पाइन का ऑप्शन आ नहीं रहा, नहीं आएगा कभी टेस्ट में, नहीं आता, आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, रिलीज कंपाउंड करना पड़ेगा पहले, ठीक है। अनग्रुप करने के बाद राइट क्लिक करके रिलीज करना है, आप सिलेक्ट करो राइट क्लिक ब्लेंड, सॉरी ऑब्जेक्ट ब्लेंड और रिप्लेस स्पाइन, तो देखो ये क्या हो गया, इसके ऊपर आ गया टेस्ट, आ गया ये ऐसा कुछ आ गया। मैं चाहूँ तो एक को छोटा कर लेता हूँ, तो देखो ये ऐसा कुछ आ रहा है, तो देखो इस तरीके से लिखा गया, ठीक है। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, इसके स्टेप्स बढ़ा के देखता हूँ, तो ऑब्जेक्ट में गए, पाथ सॉरी ब्लेंड में गए और यहाँ से ब्लेंड ऑप्शन में गए और यहाँ से हमने स्टेप्स पे क्लिक किया और इसको मैंने बढ़ा दिया से। तो देखो ग्रेडियंट जैसा कलर आ गया ना, ओके कर दिया, तो ये देखो ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। मैं चाहूँ तो उस पर इफेक्ट भी अप्लाई कर सकता हूँ, एक ऑप्शन है इफेक्ट में जाना, डिस्ट्रॉय एंड ट्रांसफॉर्म रफ एंड मैंने कर दिया, तो देखो ये थोड़ा रफ एंड सा इफेक्ट आ रहा है इसके ऊपर, मैं इसको बढ़ा के देखता हूँ, ठीक है। तो देखो ये ऐसा कुछ आ गया ना, ये जैसे मुझे माला बनानी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, एक सर्कल लिया, एक और सर्कल लिया, एक इसका कलर चेंज कर दिया, दोनों को सिलेक्ट कर लिया ऐसे, अगर ग्रेडियंट यूज करोगे और अच्छा आ जाएगा, कंट्रोल ऑल्ट बी, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट बी, इफेक्ट में गए, इफेक्ट में जाने के बाद पहले ना अप्लाई कर लेते हैं, इस पे अप्लाई करना है, मुझे माला बनानी है, माला कैसे बनानी है, मैंने क्या करा, एक सर्कल लिया, इस सर्कल को यहाँ से इतना सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ठीक है। इसके फिल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पॉइंट पकड़ के डिलीट का बटन दबा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्ट्रोक दे दी इस तरीके से और
इसी स्ट्रोक को मैंने यहाँ पे ऐसे रख लिया, तो ये आ गए हमारे पास तीन आ गए। अब इन तीनों, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, और ऑब्जेक्ट में जाके क्या करेंगे, ब्लेंड और रिप्लेस स्पाइन, ठीक है, ऐसे आ गया। और ये इन बार बार नहीं बना रहा, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, तो मैंने इसी को उठा के इधर रख दिया ऐसे, और कंट्रोल डी ऐसे, तो ये देखो ये माला सी आ गई है ना। अब अपन क्या करते हैं, तीनों को सिलेक्ट करते हैं यार, इफेक्ट में जाएंगे, और यहाँ पे अपन ने डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म और रफन कर दिया इसको, तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इफेक्ट आ गया। ठीक है, तो आपको कितना साइज रखना है वो अपने हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा, और ओके कर दिया, तो देखो ये ऐसा कुछ इफेक्ट आ गया। आप इसके साइज को बाद में कम ज्यादा भी कर सकते हो, आपने डबल क्लिक किया और यहाँ से इसके साइज को कम कर दिया इसे, ये देखो यहाँ से इसके साइज को कम ज्यादा कर दिया, आ गया, तो ये देखो ऐसा कुछ आ रहा। तो आप अपने हिसाब से डिजाइन को एडजस्ट भी कर सकते हो इसके अंदर, तो काफी काम आता है ये भी, ये सिर्फ इसके लिए नहीं, ये बैकग्राउंड बनाने के बहुत काम आता है। अगर आपको बैकग्राउंड चाहिए ग्रेडिएंट टाइप का, देखो आपने क्या करा, एक रेक्टेंगल लिया यहाँ पे, और इसी रेक्टेंगल को मैं एक बीच में सर्कल भी ले लेता हूँ, तो मैंने एक सर्कल ले लिया, ये सर्कल ले लिया, इसका कलर दे दिया मैंने ये वाला, और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट डी कर देता हूँ, तो देखो इस तरीके से बैकग्राउंड भी बन जाएगा, हाँ ग्रेडिएंट जैसा बन जाएगा बैकग्राउंड, ये देखो, ठीक है, इधर चाहिए पिक करके उधर ले जाओ, तो उधर उस तरफ ग्रेडिएंट आ जाओ, ठीक हाँ ठीक है। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो, आप चाहो तो शेप को मॉडिफाई भी कर लो इस तरीके से शेप, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको, तो काफी काम आ जाता है। एक जगह और काम आ जाता है, जैसे मैंने ना पता है बहुत पहले एक अपना भी, मैं जब सीख रहा था तो मैंने बना रखा था, दिखाता हूँ, राहुल डिजाइन 92.blogspot.com ऐसे कुछ था, कौन था इनका, तो देखो इसमें मैंने ये डिजाइन किया हुआ जैसे, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ना कोने भी देखो ब्लेंड हो रहा है, ठीक है, ये भी देखो चीजें ब्लेंड हो रही है, देखो ये कैसे किया हुआ है, तो ब्लेंड हो रहा है ना, तो ब्लेंड करने के लिए क्या करा हमने, वही सेम चीज फॉन्ट लिखा, टाइप टूल, कोलगेट ऐसे लिखा मैंने, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट सेट कर लेते हैं अपन, ये वाला फॉन्ट ले लेते हैं। अब इसके अंदर कलर कौन सा चाहिए मुझे, मुझे ये रेड कलर चाहिए, और इसी में ब्लेंड कलर होता हुआ चाहिए, तो इसका हमने यहाँ पे डार्क कलर दे दिया, या कोई ग्रे सा कलर दे देते हैं, ठीक है, इसको पीछे भेज दिया, दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट बी, तो देखो ब्लेंड हो गया, एच पी ब्लेंड हो गया। अब आप क्या करो, सिलेक्ट करो और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड में जाओ, और यहाँ पे ब्लेंड ऑप्शन पे क्लिक करके, और यहाँ पे स्टेप्स को बढ़ा दो बस, तो जो बड़े बड़े मोटे मोटे फॉन्ट दिखते हैं ना, वो इसी तरीके से दिखते हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे इसकी स्ट्रोक भी चाहिए, तो डबल क्लिक करना, इसकी कॉपी करना, इसी की पेस्ट कर देना इसके ऊपर ही, अब उसकी स्ट्रोक दे देना, अच्छा लगेगा, देखो मैंने उसकी ब्लैक कलर की स्ट्रोक दे दी, देखो फॉन्ट मेरा कुछ इस तरीके से हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। मैंने क्या करा, एक और रख के इसके ऊपर, और उसको मैंने इसके ऊपर रख के, और यहाँ ब्लैक कलर की स्ट्रोक दे दी, तो देखो ये मेरा कुछ इस तरीके से आ गया, आया समझ में। तो आपको स्ट्रोक से हाईलाइट कराना होता है, तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, होता है ना जैसे वो क्या बैनर बने होते हैं हिंदी में लिखे होते हैं शिकंजी वाला, तो उसमें इसी तरीके से यूज होता है, ठीक है, इस तरीके से ब्लेंड किया जाता है, ठीक है। आपको डबल क्लिक करना है, आपको शेप को आप अपने हिसाब से उठा के ऐसे इस तरीके से रख सकते हो, तो देखो ये 3D लुक आ जाएगा, तो टेस्ट में 3D लुक आ जाएगा। या आपने बस फिर क्या करना है, दो बार क्लिक करना है, इसको उठा के आप ऊपर नीचे ऐसे रख सकते हो ऐसे, तो उसी हिसाब से ना 3D लुक आ जाएगा इसके अंदर, ये देखो, ठीक है। तो 3D में आपको टेस्ट चाहिए, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ब्लेंड टूल, इस तरीके से यूज किया जाता है, क्लियर है ना ये सारी चीजें। अच्छा, अब मैं ना एक डिजाइन निकाल रहा हूँ, यही डिजाइन ले रहे हैं, यही बनाना है,
अब इसके अंदर देखो ये बनाना है मुझे बारकोड, तो बारकोड भी देखो इसी तरीके से बन जाएगा। बारकोड बनाने के लिए क्या करेंगे, अपन एक लाइन ले लेंगे रेक्टेंगल ऐसे, और इसके अंदर कलर दे देते ये वाला, और इसी की डुप्लीकेट कर लेते हैं, ऑल्ट दबा के ड्रैग कर लिया ठीक है, और कंट्रोल ऑल्ट बी कर दिया, और यहाँ पे डबल क्लिक कर लिया, और यहाँ से स्टेप्स पे गए, और यहाँ से मैंने 20 स्टेप कर दिए बस। यहाँ पे प्रीव्यू करोगे ना तो अपना भी आ जाएगा कितना दिख रहा है, और ओके कर दिया ठीक है तो हमारा। और इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके आगे पीछे भी कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा साइज एक का कम करोगे सबका अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, देखो ये ठीक है, एक का इधर करा, एक का हमने इधर कर दिया, आ गया समझ में, तो ये आ गया। तो आज ना हमें पैकेजिंग करनी है ये वाली ठीक है, ऐसे पैकेजिंग बनानी है। पैकेजिंग में पहले तो वायरफ्रेम बनाना है, साइज का कोई रोल नहीं है क्योंकि साइज क्लाइंट देता है ठीक है, तो साइज का तो कोई रोल नहीं है अभी, तो हम इसे यहाँ रख लेते हैं और एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। अच्छा अगर ग्राफिक्स में हो तो ग्राफिक्स में सबसे ज्यादा काम यही मिलता है पैकेजिंग का, पैकेजिंग का काम सबसे ज्यादा है, मतलब क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है, मतलब पैकेजिंग तो कंपलसरी है कि पैकेजिंग तो होती होती है ठीक है। तो ये चार हमारे पास देखो क्या हो गया, चार अलग अलग साइड आ गई। यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, एक स्टूडेंट है वो जॉब करती है पैकेजिंग का ही काम है उसका, वो उसमें है वॉलमार्ट में, जो जैसे आटा वाटा आता है ना हमारे, जैसे शक्ति भोग आटा वो सब वही प्रिंट वही करते हैं डिजाइन। वो तो बाहर चला गया ना, फिर बाहर की कंपनी हो गई ना वॉलमार्ट, तो ये अच्छा करती है, उसकी सैलरी 1 लाख है जो स्टूडेंट कर रही है ठीक है। तो कोलगेट लिखना होगा तो क्या करेंगे अपन, कोलगेट लिखेगा यहाँ पे कोलगेट, डिजाइन अच्छे से कर लेना, मैं तुम्हें बस बेस समझा रहा हूँ। कलर कौन सा है इसके अंदर, व्हाइट कलर, तो व्हाइट कलर दे दिया हमने यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, यहाँ पे हल्का सा ब्लैकिश टाइप चाहिए, तो मैंने इसको उठा के इधर रखा और इसको मैंने अंदर ये वाला कलर दे दिया, इसको हाँ कॉपी पेस्ट किया है और कंट्रोल ऑल्ट भी कर दिया, ब्लेंड ऐसा हो गया कैसे, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है ना, स्टेप्स और ओके कर दिया ठीक है। कलर के साथ आपको काम करना पड़ेगा, लाइट डार्क जो सा कलर चाहिए वो सेट कर लेना, तो हमारा इस तरीके से ऐसा बन गया, समझ में आ गया ना, तो ऐसे सेट कर सकते हैं। और ये शेप कैसे बनेगी, ये मैंने तुम्हें अभी बताया टूल कल वाली क्लास में, कि एक सर्कल लेके ऐसे इस तरीके से ऐसे रख लेना सर्कल को इस तरीके का, और इसके अंदर ग्रेडियंट दे देना, जो सा भी ग्रेडियंट तुम्हें देना, चलो मैं ये वाला ग्रेडियंट दे देता हूँ ये वाला, तो आप दोनों को सिलेक्ट करना और डिवाइड कर लेना, डिवाइड और राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लेना और इसको उठा के साइड में रख लेना, तो देखो ये शेप आ जाएगी है ना, और इसके अंदर जो भी ग्रेडियंट सेट करना वो ग्रेडियंट सेट कर लेना। तो यही वाला डिजाइन ले लो, ये सेम बनाना ठीक है, पैकेजिंग करनी है इसकी। अच्छा दो डिजाइन करना है, पर एक तो ये सेम बनाना है ठीक है, एक ना यही कंटेंट को यूज करके अपना डिजाइन निकालना है, कंटेंट सेम होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन आपकी खुद होनी चाहिए, खुद की होनी चाहिए, थोड़ा बहुत डिजाइन भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, हो सकता है आप एक्सूडेंट का देख लो या फिर वो पतंजलि का देख लो, उसको मिलता जुलता थोड़ा बहुत मैचिंग करके वो अपने हिसाब से बनाओ, अब वो तुम्हारी क्रिएटिविटी है। वो क्या अगर तुम्हें बनाना है तो पहले कॉपी के ऊपर बना लेना, डायरेक्ट मत बनाना, कॉपी के ऊपर डिजाइन बनाना है, तुम्हें प्लेसमेंट कहाँ कहाँ रखनी है फिर रखना ठीक है। ये क्या आइकन मिल जाएगा, ये आपको नेट से आइकन मिल जाएगा ठीक है। तो एक तो सेम बनाने की कोशिश करनी है, एक तो ये बनाओ बैठ के ठीक है, और एक जो बनाओगे वो अपना खुद कर देना ठीक है। तो ये ब्लेंड टूल कराया आज हमने, काफी ऐसा ही है और भी चीजें कर सकते हैं हम इस पे टॉपिक पे ना, अभी और भी करेंगे काम, अभी ये वाला डिजाइन कर लो ठीक है।